इसराइली वजीर आजम की पाकिस्तान आमद का मामला, फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं इमरान खान ना तो नवाज शरीफ हैं ना काबीना में अहसन इकबाल जैसे अरस्तू। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आकिब तनवीर से। जी आकिब बताइएगा, उन्होंने ट्वीट में मजीद क्या कहा। जी अगर बात की जाए इसराइली वजीर आजम की जो पाकिस्तान आमद के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी, तो इस हवाले से अहसन इकबाल की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया कि खुफिया मुलाकातें की जा रही है। तो जो वफाकी वजीर इत्तला'आत है फवाद चौधरी, उनकी जानिब से ट्वीट जारी किया गया है। उनका कहना है कि एक तो हम खुफिया मुलाकातें नहीं करते ना मोदी से और ना इसराइल से खुफिया मुलाकातें होंगी, पाकिस्तान बिल्कुल महफूज हाथों के अंदर है। और दूसरा उनका ये कहना था कि ना इमरान खान जो है वो नवाज शरीफ है और ना ही अहसन इकबाल की तरह तर्ज के अरस्तू जो है हमारी काबीना के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है और वो बिल्कुल महफूज हाथों में है, लिहाजा किसी किस्म की जो मुखालफत है वो करने की या किसी किस्म का तंज करने की जरूरत नहीं है। अहसन इकबाल की जानिब से ये मामला उठाया गया था कि गुज़िश्ता रोज जो इसराइली वज़ीर आज़म यहाँ पे पहुंचे और उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई है, लेकिन इस हवाले से जो ट्वीट है वो जारी किया गया है पाकिस्तान वज़ीर इत्तला'आत की जानिब से। ठीक है, पाकिस्तान महफूज हाथों में है ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर आपका।